लगातार अनर्गल बयान दे रहे हैं। हम आपसे यह स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि लगाम लगाइए, उच्च पदस्थ नेता हैं उनके खिलाफ जहरीले और विषैले जो राजनीतिक रूप से बयान होते हैं उसका सामना करना पड़ेगा। अपने सम्राट पर लगाम लगाइए नड्डा जी, नहीं तो आपके सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोगों को छोड़ेंगे नहीं। ये चेतावनी जेडीयू ने दिया है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। दरअसल बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी घूम घूम कर नीतीश के पोल खोलने में लगे हुए हैं, नीतीश कुमार के नाकामियों को गिनाने में लगे हैं और नीतीश कुमार की पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सम्राट चौधरी पटना सहित राज्य भर के कई कोने में कार्यक्रम कर रहे हैं। राजधानी पटना हो या फिर दरभंगा, सम्राट जब पहुंचते हैं तो अपने ही अंदाज में बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह भरते हैं, तो जेडीयू और नीतीश कुमार के जो काम करने का तरीका है उस पर सवाल उठाते हैं। अब सम्राट चौधरी की बातें जेडीयू नेताओं को चुभने लगी है। सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार के नाकामियों को गिनाने का सिलसिला शुरू किया, उसके बाद जेडीयू के नेता अब सम्राट को जवाब तो नहीं दे रहे हैं लेकिन सम्राट चौधरी की शिकायत जेपी नड्डा से कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जेडीयू के प्रवक्ता एमएलसी और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने की है। नीरज कुमार ने कहा है कि अगर आप अपने सम्राट पर लगाम नहीं लगाइएगा तो फिर आप भी आरोप सुनने के लिए तैयार हो जाइए और हम आपको केवल वैसी वैसी बातें सुनाएंगे, जली कटी बातें जो लोकतंत्र में तो होगी लेकिन सुनकर आपके कान में दर्द हो जाएगा, चुभने लगेंगी। ये चेतावनी, ये धमकी नीरज कुमार ने दिया है। नीरज कुमार ने जेपी नड्डा को जो धमकी दी है वो सम्राट चौधरी को लेकर है। नीरज ने साफ कर दिया कि अपने प्रदेश अध्यक्ष पर लगाम लगा लीजिए, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और झूठे आरोप लगा रहे हैं। अगर ये आरोप लगाने का सिलसिला बंद नहीं होता है तो फिर ये भी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से सम्राट चौधरी के साथ साथ नरेंद्र मोदी अमित शाह के खिलाफ बयानबाजी शुरू करेंगी जेडीयू। जेडीयू नेता ने जो चेतावनी जो धमकी दिया है उसका असर सम्राट चौधरी पर कितना होता है वो तो देखना होगा, लेकिन सम्राट की शिकायत जेपी नड्डा से कर जेडीयू ने यह बता दिया है कि सम्राट नीतीश कुमार और उनके पार्टी के नेताओं के आंखों में खटकने लगे हैं। सम्राट के तेवर इस कदर नीतीश को नागवार गुजर रहा है कि उन्होंने अपने पार्टी की फौज उतार दी है सम्राट को रोकने के लिए और सम्राट की शिकायत अब नड्डा से की गई है और धमकी दिया गया है कि सम्राट पर लगाम नहीं तो मोदी और शाह की बारी आ जाएगी, उनकी खैर नहीं होगी। सुनिए नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, आपके प्रदेश अध्यक्ष लगातार अनर्गल बयान दे रहे हैं। हम आपसे यह स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि लगाम लगाइए, अन्यथा आपके जो सबसे बड़े नेता हैं, उच्च पदस्थ नेता हैं, उनके खिलाफ जहरीले और विषैले जो राजनीतिक रूप से बयान होते हैं उसका सामना करना पड़ेगा। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर आलीशान जिंदगी
और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।